सो फाइनली दोस्तों गदर 3 के ऊपर लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भाई, बॉलीवुड हिल जाएगा। और आपको बता दूं कि भैया रमैया अवस्था भैया छपरी लोगों की फट जाएगी भैया, बहुत ही फाड़ू न्यूज है भैया। गदर 3 संदीप पाजी एक बार बिग अवतार में भैया, और उनके सामने कौन सा एक्टर फेस टू फेस करेगा भैया। भाई बहुत सारी अपडेट लेकर आऊं भैया, लाइक कमेंट कर लेना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। आइए वीडियो भी शुरू करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने देवल दिन भर को प्यार दिया, एंड थैंक यू एवरीवन इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए। भाई लोगों सनी देवल की एक ऐसी मूवी जो कहा जा रहा है कि एक बार 22 साल का इंतजार नहीं करना, 2025 ऑफकोर्स 15 अगस्त को दोस्तों डेट लॉक्ड हो चुकी है अनिल शर्मा के द्वारा। एंड गदर 3 भाई साहब एक बार फिर से लोग ट्रैक्टर से, साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से दोस्तों फिर से थिएटर में भाई साहब ह्यूज क्राउड होने वाला है। मतलब कुल मिला के भाई साहब 2025 में सन्नी पाजी फिर से इतिहास रचने वाले हैं। और दोस्तों इस बार तो कहा जा रहा है कि जो स्टोरी स्क्रिप्ट है शक्तिमान तलवार ने लिखी है ना, इस बार दोस्तों फिर से पाकिस्तान की बैंड बजेगी। चाइना के ऊपर स्टोरी नहीं बनेगी दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर स्टोरी बनेगी, कारगिल युद्ध के ऊपर स्टोरी बनेगी। 1947 में पहला पार्ट बना था गदर, जो एक प्रेम कथा। गदर 2 दोस्तों आई थी 1971 लाहौर पे बेस्ड हुई थी। अब दोस्तों आपको बता दूं पहले 1971 की जो कहानी थी क्रश इंडिया मोमेंट पे था। 1999 यानी कि 3 जी दोस्तों 3rd of March 1999 को आपको बता दूं कारगिल युद्ध हुआ था। कहा जा रहा है कि 1999 की स्टोरी होने वाली 1999 की, एंड इसके अंदर सन्नी पाजी, उत्कर्ष शर्मा, अमीषा पटेल दोस्तों तो ये तो होंगे होंगे, ऑफकोर्स हमारी प्यारी प्यारी मुस्कान भी होगी सबकी भाभी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 1999 पर कारगिल युद्ध पे यहाँ पर जो उत्कर्ष शर्मा, जब आपने गदर 2 मूवी देखी थी उसका जो एंड था, उस एंड में ऑफकोर्स वो आर्मी के अंदर चले जाता है। और जो स्टोरी बन रही है दोस्तों कि उत्कर्ष शर्मा अब यहाँ पर एज ए फौजी, एज ए आर्मी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, देश की सेवा करता है। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे तारा सिंह जो है अपनी लाइफ में तो इन्वॉल्व होता ही है, ट्रांसपोर्टेशन का धंधा होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की आड़ में ऐसे वो देश की भी सेवा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तारा सिंह टोटली दोस्तों इस बार फिर से पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, वो कहानी नहीं बनेगी कि भैया इस बार अपनी पोती को लेने जाए या पोते को लेने जाए, ये कहानी नहीं बनेगी दोस्तों। लेकिन एक बार ऐसा कहा जा रहा है कि यहां पर तारा सिंह इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया आर्मी ऑफिसर, इंडियन आर्मी की मदद करेंगे, उनका बेटा उत्कर्ष शर्मा, और दोनों मिलकर दोस्तों पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे फिर से। अमीषा पटेल का भी कुछ बड़ा इसमें होने वाला है। साथ ही साथ भैया एक खबर ये आ रही है दोस्तों कि इसमें सलमान खान का भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मतलब हम सबको पता है दोनों के रिश्ते कैसे हैं, सलमान खान की भी एंट्री है दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि बजरंगी भाईजान 2 आ रही है, तो गदर 3 और बजरंगी भाईजान 2 आगे चल के एक बड़ा यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है, एक इन दोनों का मिलकर दोस्तों एक यूनिवर्स बनने जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि स्पाई यूनिवर्स बनी है, हमने देखा कि कॉप यूनिवर्स के ऊपर बनी है दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों सन्नी पाजी और सलमान खान मिलकर पाकिस्तान की बैंड बजाने वाली यूनिवर्स बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई पाकिस्तान में ये फिल्म तो हमेशा ही बैंड रही है, सनी देओल बैंड रहे, लाहौर 1947 में नहीं चलेगी जो आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि गदर 3 फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर है शक्तिमान तलवार, उनसे जब इंटरव्यू आया तो उन्होंने बोला कि भाई ये फिल्म की स्टोरी स्क्रिप्ट फाइनल हो गई है और बहुत ही फाड़ू कहानी होने वाली है, बहुत ही फाड़ू भैया, मतलब छपड़ी लोगों की फट जाएगी, मतलब इतना तगड़ी कहानी होने वाली है। इस बार तो बजट भी बहुत तगड़ा होने वाला है, एंड इस बार अनिल शर्मा को भाई साहब जी सिने अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, सन्नी देओल को व्यूअर चॉइस यानी कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर गदर 2 के लिए। और आपको बता दूं कि उदित नारायण को भी बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है। सो गदर 3 कितनी खास होने वाली है। गदर 3 में कहा तो ये भी जा रहा है कि सन्नी देओल के साथ साथ अफकोर्स सलमान खान की एंट्री है। भाई साहब सलमान खान की एंट्री होगी ना तो भाई साहब सलमान खान फैंस का तो फुल सपोर्ट है इस मूवी को, और पहले भी था। वेल दोस्तों सलमान खान फैंस जो है वो मतलब फुल सपोर्ट करके फाड़ देंगे इस मूवी को। आपको बता दूं कि यार इसका जो है ये फिल्म, मैंने आपको बता दी 2025 में 15 अगस्त को रिलीज होगी।
अगर इस फिल्म के साथ कोई क्लैश भी होती है तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमने देख लिया है कि 3500 स्क्रीन पे 3-4 फिल्मों के साथ क्लैश करके भी अगर पाजी पठान 2 के रिकॉर्ड, सॉरी पठान के भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, पठान 2 के रिकॉर्ड तो वैसे ही टूट जाएंगे। ठीक है, सो भैया यहाँ पर बात अब हिंदुस्तान का असली ब्लॉकबस्टर की है। एक बार फिर से सन्नी पाजी का इसमें जो लुक है थोड़ा सा एजेड दिखाया जाएगा, आई मीन थोड़ी उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, लेकिन भाई साहब वो जो क्या बोलते हैं उनकी बाजू जो उनकी भुजाएं है ना वो बिल्कुल तारा सिंह जैसे पावरफुल और दिखाया जाएगा। मतलब पिछली बार हमने गदर में हैंडपम्प उखाड़ते देखा, गदर 2 में खंबा उखाड़ दिया, इस बार पता नहीं मुझे लगता है कि पूरा पाकिस्तान ना उखाड़ दे, क्योंकि भैया कुछ तो बड़ा उखड़ेगा उखड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों रही बात विलेंस की, तो देखो यार कहानी हम सबको पता है कि 1999 की कहानी होने वाली है। देखो यार पहली वाली गदर के अंदर ऑफकोर्स अमरीश पुरी जी लेजेंड, उसके बाद गदर 2 में मनीष वाधवा, जो कि साथ दिया रोहित चौधरी ने, रोहित चौधरी का हालांकि थोड़ा कम सीन देखने को मिला लेकिन मनीष वाधवा का सीन ज़्यादा था, लेकिन मनीष वाधवा ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पे नेल्ड कर दिया, उनकी एक्टिंग की तारीफ हर किसी क्रिटिक्स ने की, एंड ऑफकोर्स अमरीश पुरी की जो कमी थी वो पूरी की मनीष वाधवा ने, एंड आई अप्रिशिएट उनके एफर्ट्स को। लेकिन मनीष वाधवा की जगह अब कौन लेगा? मनीष वाधवा आपको याद होगा कि उनका एक बेटा था 5-6 साल का, दोस्तों 1999 में उसका बेटा 25-26 साल का हो जाएगा। अगर अपने बाप का बदला लेना चाहे तो डेफिनेटली कौन सा एक्टर हो सकता है? तो वेल दोस्तों आपको बता दूं कि यहां पर अनूप ठाकुर करके एक कैरेक्टर है, एक रोल है, हो सकता है वो मनीष वाधवा के बेटे का रोल करे। अभी तक ये न्यूज किसी ने नहीं दी बट मेरे पास आ रही है। अनूप ठाकुर बेसिकली आपने 2015 में महाभारत में धृतराष्ट्र का रोल करते हुए देखा होगा, फोटो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर वो मनीष वाधवा के बेटे किरदार करते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं कह सकता मैं इसको, बट अगर ये रोल करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत तगड़ा विलन का रोल किया जाएगा, और इन्होंने कई साउथ की फिल्में की है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ी न्यूज बता दूं आपको, सन्नी देओल, जी हां दोस्तों सन्नी देओल के साथ जब भी फेस ऑफ होगा तो हम चाहते हैं कि यार कोई बड़ा, कोई बॉलीवुड का, कोई टॉलीवुड का, कोई साउथ का बड़ा यार विलन खड़ा हो। लेकिन दोस्तों एक खबर आ रही है और कुछ फैंस ने भी कमेंट किया, कुछ फैन मेड थ्योरी भी आ रही है इसके ऊपर, ठीक है, और चांसेस लग सकते हैं कि ऑफकोर्स संजय दत्त को भी हायर करने की डिमांड की जा रही है। मतलब संजय दत्त नजर आ सकते हैं गदर 3 में एज ए मेन विलन दोस्तों, जो कि मेन एंटागोनिस्ट होंगे, एंड ऑफकोर्स उनका फेस टू फेस होने वाला है सन्नी देओल के साथ। दोस्तों संजय दत्त अगर इस फिल्म के अंदर आ जाता है भाई गदर 3 में, भाई साहब फिल्म के अंदर जो तबाही मचने वाली है ना, जो गदर मचने वाला है ना भाई, पैन इंडिया रिलीज होगी, 5 भाषाओं में रिलीज होगी, डब्ड करके रिलीज होगी, ओवरसीज में रिलीज होगी, और एक बार फिर से दोस्तों कितने भी पठान खड़े हो जाए इस बार दोस्तों बॉलीवुड कांप जाएगा, हिल जाएगा, क्योंकि भाई पठान अठान जवान सब तेल लेने गए, इस बार गदर 3 ना भाई, गदर 3 मैं बता रहा हूं भाई, बॉलीवुड का बच्चा बच्चा, मतलब बॉलीवुड को लोग इस नजरिए से देखते हैं, सन्नी पाजी की वजह से थोड़ा बॉलीवुड की इज्जत बची हुई है। वेल दोस्तों हम तो 50-50 बार देखने जाएंगे और लोगों ने तो 10-10 बार मूवी को देखा। वेल दोस्तों गदर 3 जो कि कम से कम 200 करोड़ के लागत की फिल्म है, इसका टीजर दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल तो नहीं आएगा, अब जो भी आएगा अगले साल नए साल पे आ सकता है टीजर। और दोस्तों अनिश शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ गदर 2 के जितने भी फुटेज होंगे, प्लीज़ जैसे लाहौर 1947 में राजकुमार संतोषी थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करके रखे हुए, प्लीज़ आप भी ऐसा करो, नहीं तो छपड़ी गैंग ना पूरी फिल्म को थिएटर में कम और लीक्ड ज़्यादा कर देगी, जो कि गदर 2 में लीक्ड हुई थी हमारी कई सारी फुटेज। और साथ ही साथ भैया गदर 3 के ऊपर कॉपीराइट मार देना, नहीं तो गदर 3 रिलीज से पहले लोग YouTube पे देख लेंगे। तो वेल दोस्तों गदर 3 के कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, क्या गदर 3 दोस्तों अगर संजय दत्त होते हैं मेन विलन तो क्या लगता है? क्योंकि संजय दत्त की दोस्तों तमाम फिल्में आ रही है, संजय दत्त ने सन्नी देओल के साथ क्रोधा, छत्रेसी 90s की मूवी में काम किया, बाप मूवी भी उनके साथ आ रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों लियो 2 में संजय दत्त है, तमाम बड़ी-बड़ी फिल्मों के अंदर संजय दत्त है, इसके बाद दोस्तों KGF चैप्टर में संजय दत्त है, मतलब संजय दत्त कहां नहीं है भाई। संजय दत्त के होने से दोस्तों इसकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी और ऑफ कोर्स ये फिल्म 2000 करोड़ पार जाएगी। We are waiting for the official announcement for the Gadar 3 दोस्तों, हालांकि अनिल शर्मा ने खुलासा कर दिया कि गदर 3 आएगी, कोई जरूरत नहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, लेकिन भाई साहब इसके टीजर, इसकी एक झलक देखने को हम सब पागल है। दोस्तों क्या लगता है स्टोरी क्या कारगिल युद्ध पे ऑफकोर्स बनेगी, तो क्या ये फिल्म फाड़ कर देगी, क्या दोस्तों फिर से एक बार पाकिस्तान की बैंड बजानी चाहिए, या फिर कहानी कुछ नया होना चाहिए आपके हिसाब से? लाइक कमेंट करके बताओ, क्या संजय दत्त एंड अनूप ठाकुर दोनों इस फिल्म गदर 3 के लिए मेन विलन
उचित होंगे, जचेंगे दोस्तों, कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और सनी देओल फैंस, उन हेटर लोगों क्या बोलोगे जिनकी फटी पड़ी है गदर से, कमेंट करके बताओ। जय हिंद, जय भारत।